नाबालिग बच्चियों के प्रति बढ़ते अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं आए दिन कहीं अगवा होने की तो कहीं यौन उत्पीड़न के मामले दिनों दिन देखने को मिल रहे हैं। चाहे कारण जो भी हो, FIR के बाद मामले में पुलिस खोज परख करती है और अपराधी बेखौफ होकर घूमते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी भी घटना देखने को मिलती है जिसमें जघन्य अपराध की फाइल धूल खाते नजर आती है, जिसका कोई सुराग भी नहीं मिल पाता। ऐसा ही एक मामला डोंगरगढ़ से हमारे सामने आया है, जहां पर 15 दिन पहले परिजनों ने एक युवक पर नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर उसका अपहरण करने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने डोंगरगढ़ थाने में करवाई थी। परिजनों ने बताया कि उन्हें पास ही के दुकान में कार्य करने वाले 30 वर्षीय शंकर नामक व्यक्ति पर शक है कि वही यदि पुलिस थाने में दर्ज FIR रिपोर्ट की माने तो यह बात सामने आई कि लड़की अपने घर से यह बताकर निकली थी कि वह अपनी किसी सहेली की बहन की शादी में जा रही है। जब वह देर रात तक घर नहीं आई तो परिजनों ने गुमशुदगी की सूचना पुलिस थाने में दी। परिजनों की दी गई शिकायत को 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। क्या पुलिस किसी बड़ी अनहोनी के होने का इंतजार कर रही है? अब देखना यह है कि मामला मीडिया के प्रकाश में आने के बाद क्या पुलिस कोई कार्यवाही करती है या नहीं। डोंगरगढ़ से निमेश अग्रवाल के साथ सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। हाँ बताओ, क्या घटना घटी थी? हाँ, जो पाऊ नाम के लड़का है वो लड़की ले गई बहला फुसला। अच्छा, रिपोर्ट लिखा हो? हाँ, रिपोर्ट लिखा है। लड़का कितना साल के? 30 साल के। और आपकी लड़की है? 14 साल। के दिनों की रिपोर्ट लिखा है? 7 दिन हो गए। अच्छा, कहा बोली पुलिस वाले मन? अभी हाँ, मतलब नंबर मतलब देखा था ना, ऐसा करके बोला थे, अभी नंबर चालू नहीं है करके। अच्छा, तो नंबर चालू हुई तब कर दू बोलते, तो कब तक नंबर चालू रही, कब तक हुई नंबर चालू? अभी तक जब तक नंबर चालू नहीं हुआ, जब तक मोर लड़की को कोई आता पता नहीं है, कहीं मार के फेंक दी, कुछ भी करी। आपको कैसे पता चला कि मतलब आपकी लड़की नहीं? हाँ सर बताए। ये दिनांक 23/2020 की बात है। ये प्रार्थी थाने में आकर रिपोर्ट कराया कि इसकी नाबालिग जो बच्ची है वो घर से बिना बताए कहीं चली गई है। इस संबंध में थाना में अपराध क्रमांक 99/2020 धारा 363 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसकी जांच हम कर रहे हैं, जांच और विवेचना कर रहे हैं, और इसके लिए भी पार्टी रवाना कर रहे हैं। उससे अति शीघ्र इसको जो गुम बालिका है उसको हम लोग खोज लेंगे, खोज के न्यायालय। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.